साथ साथ अपनी पढ़ाई के साथ साथ में कम पैसों में इनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, अपने पढ़ाई के बीच में ही कुछ कोर्सेज को करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कुछ कोर्स लेकर आया हूं। पहले नंबर पर आते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्स, जिसमें सब डेटा एंट्री ऑपरेटर कोर्सेज। इसको आप जानते होंगे कि जो डेटा एंट्री का काम होता है बड़े बड़े ऑफिस में होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों में होता है। ये कंप्यूटर कोर्स करके आप आराम से आत्मनिर्भर, जैसे मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना, आत्मनिर्भर बन सकते हैं और आपकी पढ़ाई भी इसके साथ साथ में चल सकती है। ये बहुत रेगुलर कोर्सेज नहीं होते, इसमें एक घंटे की आपको कोचिंग करनी होती है लगभग, और बाकी आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है एमएस ऑफिस सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, इस कोर्स को भी आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर आता है एनिमेशन, एनिमेशन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो कार्टून चैनल वगैरह होते हैं उसमें जो कार्टून वगैरह बनते हैं वो एनिमेशन से ही बिलोंग करते हैं। चौथे नंबर पर आता है वेब डिजाइनिंग, जो वेब की डिजाइनिंग करी जाती है, वेबसाइट्स बनाई जाती हैं और उनका डेवलपमेंट होता है, ये कोर्स भी पार्ट टाइम कोर्सेज हैं, इनको आप हाई स्कूल के बाद कर सकते हैं या इंटर के बाद भी कर सकते हैं या उनके साथ भी कर सकते हैं। पांचवें नंबर पर आता है डिजिटल मार्केटिंग, ये भी सब पार्ट टाइम कोर्सेज हैं, इनको भी आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ में कर सकते हैं। अगला कोर्स आता है ग्राफिक्स डिजाइनिंग, इसको भी आप हाई स्कूल या इंटर के अगर स्टूडेंट हैं तो साथ साथ में आप इसको भी कर सकते हैं, इसका भी आज की डेट में मार्केट में बहुत स्कोप है। उसके बाद कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, इसका नाम आप सभी लोगों ने बहुत सुना होगा, इसकी मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, इसको भी कर आप आराम से किसी भी जॉब को पा सकते हैं और ये आपकी पढ़ाई के साथ साथ चलने वाले कोर्सेज हैं। इसके बाद आता है मोबाइल एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस का भी कोर्स होता है, ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है, इसको भी आप एक घंटे डेढ़ घंटे की कंप्यूटर क्लास कोचिंग करके आप इसको कर सकते हैं, इसमें आपकी पढ़ाई के ऊपर कोई बहुत इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और उसके बाद लास्ट में आता है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस, कंप्यूटर हार्डवेयर उसकी रिपेयरिंग और उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड भी कोर्स आप कर सकते हैं। ये 9 कोर्सेस हमारे कंप्यूटर से बिलोंग करते हैं, इनको हाई स्कूल का स्टूडेंट पास आउट है या हाई स्कूल में है, इंटरमीडिएट का स्टूडेंट पास आउट है या इंटरमीडिएट में है, अपना एक घंटा डेढ़ घंटा निकालकर इन कोर्सेज को किया जा सकता है, जिससे आप सेल्फ डिपेंड बन सकते हैं, लाइफ में कभी भी ऊपर वाला ना करे, कभी आवश्यकता पड़े अर्न करने की इन कॉलेज लाइफ में या स्टूडेंट लाइफ में कोई समस्याएं ऐसी आ जाए, तो अगर आप ये सारे कोर्सेज करे होगे तो कहीं ना कहीं पर आप बड़े आराम से सर्वाइव कर जाओगे। इन कोर्सेज में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, जो लोग कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए कोर्स सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। तो मैं चाहूंगा कि इनके बारे में आप पूरी डिटेल निकालिए, इनके बारे में पता करिए और अपने समय का सही तरीके से यूटिलाइज करिए। इसके बाद कुछ चीजें आती हैं, जैसे हाई स्कूल का स्टूडेंट जो हाई स्कूल पास हो गया वो ITI कर सकता है, ITI हाई स्कूल के बाद हो जाती है, GTI का फॉर्म डाल सकता है वो भी हाई स्कूल के बाद हो जाती है। लेकिन एक बार फिर कहना चाहूंगा कि हाई स्कूल के बाद आप ये करें लेकिन अपनी एकेडमिक पढ़ाई को भी जारी रखें, कि अगर आपने ITI कर लिया या GTI कर लिया और आपने आगे की पढ़ाई नहीं रखी तो आप अजीबन हाई स्कूल रहोगे और हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर आगे चल के आपको नौकरी मिलने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो आप इन कोर्सेज को करिए लेकिन साथ साथ में अपनी पढ़ाई को भी सुचारू रूप से जारी रखिए। तो ITI जब भी करें या GTI में अगर आपका अच्छे ग्रेड में नाम आ जाए तो आप उसको करिए, लेकिन उसके साथ साथ में प्राइवेट इंटरमीडिएट जरूर करिएगा, क्योंकि एकेडमिक पढ़ाई का भी होना हमारी लाइफ में बहुत जरूरी है। इसी के साथ कल हम आपको फिर मिलते हैं इंटरमीडिएट की काउंसलिंग के साथ, बहुत अच्छे अच्छे कोर्स आपको मैं बताऊंगा, और एक बार फिर बता रहा हूँ कि कॉपी पेन लेकर जरूर बैठें क्योंकि डिटेल बहुत लंबी है और इससे आपको बहुत फायदा होगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये बात शेयर करिए, NTSSP SPN के नाम से जो YouTube पर चैनल बनाया गया है वो इसीलिए बनाया गया है कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारियां प्रोवाइड करा सकें, जिससे हर घर में चेहरा मुस्कुराता हुआ मिले, लाइफ में स्टूडेंट सक्सेसफुल हो और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़कर अपने घर का नाम रोशन कर सके, अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। तो उसी के क्रम में कल आपसे मिलते हैं दोबारा से एक नए वीडियो के साथ इंटरमीडिएट की काउंसलिंग में। थैंक यू वेरी मच।